हम इस वक्त है वृंदावन के श्री जी बाटका कॉलोनी में, जहां देखेंगे वहां पानी पानी नजर आएगा आपको। यहां पर एक प्राइवेट स्टीमर लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। देखिए यहां पर ये लोगों का घर है, वो यहां पर फंसे हुए थे। ये प्राइवेट जो स्टीमर है वो फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। देखिए सामान भी इनका फंसा हुआ है पूरा। अगर घर देखेंगे, घरों में पूरा पानी भर गया है। और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू हो रहे हैं, यहाँ पर लोग अपने सुरक्षित स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। यहाँ पर कमर कमर से बराबर का पानी यहाँ पर है। जिधर आप नजर डालेंगे उधर कॉलोनी में आपको पानी पानी नजर आएगा। और देखिए ये यहाँ के जो नाविक हैं वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? राम निशान। राम जी कब से ये सुरक्षित स्थान पे लोगों को पहुंचा रहे हैं? हम कल से पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कल से बहुत पानी आया है, दिल्ली से पता नहीं, बहुत ये दिन पे दिन चढ़ता ही जा रहा है। क्या पानी भर गया था पूरे घर में? हाँ जी, बेड उतर रहे हैं साहब, बेड क्या बेड भी तल रहे हैं सब, पूरा पानी भरा हुआ है। कब से पानी भरा हुआ है? दो दिन से ज्यादा है, वैसे तो 3 दिन से, लेकिन 2 दिन से ज्यादा ओवर है। तो आपको पता नहीं थी कि सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, पानी आ रहा है? पता होता तो काहे को यहाँ पर रहते, पहले ऐसे कभी हुआ नहीं ना इतना। प्रशासन ने आपको अलर्ट नहीं किया? थोड़ा थोड़ा पानी आता है चला जाता है, अब की बार ज्यादा आया है। देखिए ये लोग हैं जो यहाँ से स्टीमर द्वारा अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। इनका कहना है कि किसी ने इन्हें अलर्ट नहीं किया, इस कारण के घर में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण काफी नुकसान हो गया, नुकसान और जो सामान है वो तैरता हुआ इनके घर में घूम डोल रहा है। सौरभ गौतम, वृंदावन, एनडीटीवी।